देखियो भाई, डायवा का स्प्रिंग मुझे नहीं मिल रहा था। ये मेरा टूल किट है, ये है पकड़, ये है नोच पकड़, ये है तार, ये है टेस्टर। ये देखिए, मैंने जो डायवा का रहता है, कोई भी बेलाम का स्प्रिंग रहता है, तो छोटे से लेके बड़े तक बनाया है। कोई भी अगर बड़ा छोटा होता रहेगा तो यहाँ से काट कर अपन उसको बेंड कर सकते हैं, इसलिए सबका साइज बड़ा रखा है। हाय गाइस, दादा मोहित 47 चैनल में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों से कुछ फिशिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो डाइवा का मशीन है उसका स्प्रिंग एक 16-17 किलो के मच्छी ने उड़ा दिया है, उसके कारण मैं फिशिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे डाइवा की वो स्प्रिंग, जो बेलाम्स की स्प्रिंग रहती है, वो भी नहीं मिल रही है। काफ़ी जाने पहचाने दोस्तों को भी मशीन दी थी, मगर अभी तक कोई बना नहीं सके। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने खुद से ही वही YouTube पे देख के एक वीडियो देखा, मैंने वो हिसाब से मैंने स्प्रिंग बनाने को लिया है। दिखाते हैं अभी मैं स्प्रिंग बनाने के लिए क्या क्या सेटअप लगता है और क्या क्या चीज़ें लगेंगी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हाय दोस्तों, देखिए सबसे पहले एक तार लीजिए। तार इतनी भी पतली मत लीजिए ताकि वो बेलाम डाल टूटे। यह है टेस्टर, ये है पाने का सेट दोस्तों, ये टूल किट का डब्बा, ये नोच पकड़ और ये पकड़। इन चीज़ों से हम बेलाम का वो स्प्रिंग रहता है वो हम बनाएंगे। तो कितना सेंटीमीटर केबल लेना है और कितना लंबा लेना है, उसे बेंड कैसे करते हैं दोस्तों, हम वो दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम इतना इस वायर का टुकड़ा लेके हम इसको अभी कट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने वायर का टुकड़ा इतना कट कर दिया है, इतना ही लेना है वायर का टुकड़ा। अबे इसे गोल करने के लिए अपने पास तो मशीन नहीं है, जैसे ग्रिल मशीन रहती है, ग्राइंडर रहता है, क्या रहता है, वो मेरे पास मशीन नहीं है। अभी मैं इसे, देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तार को इस तरह पकड़िए, अगर आपके पास में मशीन नहीं है तो सीधा जब तक न जाए तब तक उसे बेंड कर दीजिए। देखिए, ये हो गया एक राउंड, ये हो गया दो राउंड, देखिए दोस्तों सही शेप आ चुका है। इस तरह ये शेप होने के बाद दोस्तों, अपने को पता है बेलाम का जो स्प्रिंग लंबा नहीं रहता है, तो यहाँ से उसे काट दो। काटने के बाद दोस्तों ये ऐसे वी शेप में ये होता है, और ये पहला दो गोल देखिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, कभी आपकी मशीन रिपेयर नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, तो ये ट्रिक यूज करिए, आपकी बेलाम की स्प्रिंग परफेक्ट लग जाएगी दोस्तों। अभी इसे हम मोड़ने का काम शुरू करते हैं। एक साइड हमारी हो चुकी है, ये दूसरी साइड हो चुकी है, यानी कि अपनी ये देखिए स्प्रिंग, जब भी वो बेलाम में फंसाते हैं तभी ऐसा रहता है, वो एक नीचे का साइड का ये ऐसा रहता है। देखिए कितने अच्छे तरह से स्प्रिंग हो चुकी है। देखिए दोस्तों,
इसे पूरा सेप दिया गया है, ये स्प्रिंग है, इस तरह बनाइए तभी आपको मैकेनिकल की ज़रूरत नहीं रहेगी। चाइना, मलेशिया, कोरिया और नेपाल वाले लोग ऐसे ही बनाते हैं, मैंने उस टाइप की बनाई है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इतनी सारी मैंने स्प्रिंग बना दी है, छोटे से लेके बड़े तक। ये जो साइज़ है, मैंने बड़ी क्यों रखी है ये साइज़, क्योंकि ये छोटा है, छोटी ना लगे तो ये साइज़ की लगेगी, ताकि ये भी अगर बड़ा होता हो तो यहाँ से कट करके अपन पीछे मोड़ सकते हैं। देखिए तार भी मैंने झाड़ ली है, और ये छोटी है, ये उससे छोटा है। चाहो तो दोस्तों आप भी बना सकते हो, एकदम आसान है स्प्रिंग बनाने के लिए। दोस्तों ये देखिए तार, ये पकड़, नोच पकड़, पकड़ और स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर के पाने हैं। हाय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट्स करो, सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें चैनल को आगे बढ़ाना है। काफ़ी दिनों से मैंने फिशिंग भी नहीं की थी, कल एक वाला कुटू पठान पढ़नी मैंने मारा था 1.5 किलो का। उससे पहले भी मुरबाट में जो किशोर तालाब है, यूट्यूब पे देख सकते हैं, किशोर विलेज करके है, वहाँ पे भी बिग साइज पठान, वाला कुटू, लाची, पामला की संख्या बहुत ज़्यादा है, मगर वहाँ के गाँव वाले है वो किसी को मारने को देते नहीं है। अगर आपका पहचान कराएगा तो विजिट करो, ये करो, कोई पहचान कराएगा तो अच्छा शिकार होता है।